हरियाणा एट 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखोदा नगर पालिका एक अभियान चला रही है। रात के समय बुलडोजर चलाकर नालों और सड़क के बीच की जो दूरी है, जिस पर मिट्टी डालकर दुकानदारों ने अतिक्रमण किए हुए हैं, उनको हटा रही है ताकि लेवल ठीक हो और अतिक्रमण भी ना हो। ऐसा ही दिल्ली चौक सांपला रोड पर भी नगर पालिका ने किया है। जो ये कदम नगर पालिका के हैं, इनकी वैसे तो पूरी प्रशंसा हो रही है, सराहना हो रही है कि जाम से मुक्ति मिले, शहर को इसका फ़ायदा भी हो रहा है, आम नागरिकों को और राहगीरों को इसका भरपूर फायदा मिल रहा है। लेकिन पिछली बार अब जो कार्रवाई नगर पालिका ने दिल्ली चौक पर की थी, उसमें नाले को साफ नहीं किया, जिसके कारण नाले का सारा पानी सड़क पर पहुँच गया और दुकानदारों को दुकानों में एंट्री की ही नौबत आ गई। इस बारे में दुकानदार नगरपालिका कार्यालय भी पहुंचे, लेकिन उनकी समस्या का समाधान फिलहाल नहीं हुआ है। खोदा में तहसील के सामने जो नगरपालिका का नाला ओवरफ्लो है, उसमें कबाड़ भरा हुआ है और गंदगी है, वहां परेशानी का सबब रहता है। तो अब पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट उस नाले को एक कलवर्ट के माध्यम से पाइप लगाकर सीवरेज मैन होल में कनेक्ट करना चाह रहा है, जबकि उनके जो खुद के सीवरेज मैन होल है वो पहले से ही ओवरफ्लो हैं। अब ऐसा करके सड़क पे पानी रहेगा ऐसा करने से, और दुकानदार भी इस कदम से नाराज हैं। तो पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि दो तीन मैन होल है जो वहाँ उस एरिया के सभी एक सेंस में डेड पड़े हैं, ओवरफ्लो हैं। उन वे कहाँ कनेक्ट हैं कहाँ नहीं, ये तो डिपार्टमेंट अभी तक पता लगा नहीं पाया। नालों को और इससे जोड़ रहे हैं, जिससे पानी निकासी की व्यवस्था और भी चौपट हो सकती है। पब्लिक हेल्थ को चाहिए कि पहले अपने सीवरेज ठीक करें और तब नालों को इनमें कनेक्ट करें। सोनीपत उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जारी पाबंदियों का पालन न करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा तबड़तोड़ कार्रवाई की गई है, जिसके तहत 98,73,750 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा नियमों का पालन न करने वाले 13 उद्योगों को भी अभी तक सील किया जा चुका है तथा 50,28,000 से ज़्यादा रुपये का जुर्माना भी लगाया जा चुका है। इसके साथ ही प्रशासन की टीमों द्वारा अभी 148 निर्माण व अन्य गतिविधियों की चेकिंग की गई है, जिनमें से 21 के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 48,45,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। ये सारी कार्रवाई AQI लेवल कम करने के लिए की जा रही है, ताकि सांस लेने में दिक्कत ना हो और अस्थमा या दूसरे जो मरीज हैं उनको कुछ राहत मिले। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, CT स्कैन, MRI, मेमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।